आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ गेमर्स। तो फिर आज हम लोग खेल रहे हैं सुपरमार्केट सिमुलेटर। तो मिड पैट भाई ने जैसे किया वैसे ही हम लोग भी करेंगे, मजाक कर रहा था। ओके, तो अभी हम लोग पहले चल के देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या क्या ले सकते हैं हम लोग। तो या हमारे पास $50 है, ये एंड ये ऐड कर देते हैं। ओ भाई एक सेकंड, ग्लिच हो गया क्या? ओके, तो हमने ये दोनों चीज़ें खरीद ली हैं। लॉल, फिलहाल के लिए तो हम लोग लगा देते हैं भाई बॉक्स पे, ताकि एकदम पैसे वाले हो जाए। मजाक कर रहा था। इसमें प्राइस व्राइस भी सेट करना पड़ता है, तो हम लोग पहले फटाफट से ये सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्राइस सेट करते हैं। तो चलो देखते हैं हमारे सुपरमार्केट में कौन कौन आता है। एंड ये एक्चुअली पीसी का गेम है, बट फिलहाल के लिए मैं मोबाइल पे खेल रहा हूँ, बिकॉज पीसी निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो या पीसी नहीं मतलब लैपटॉप। ओके, तो मार्केट प्राइस चल रहा है 3.96 एंड 3.96, बट एक्चुअली मैं $4 में बेचूंगा, थोड़ा सा ही ऊपर बेच रहा हूँ, ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा। मार्केट प्राइस है तो मैंने $6 रखा है। एंड लेट्स ओपन। तो चलो थोड़ा, अरे भाई पहले ही आ गया कस्टमर। चलो देखते हैं अभी कस्टमर जी क्या लेते हैं। ओके, तो हम लोग $10, ऑफ कोर्स $10 ही होगा भाई। हेलो, क्या हो गया? ग्लिच? ओ, कैश दिया उसने। लॉल, $10 मुझे देना है। मुझे लगा उसने कार्ड दिया, लगता है मैं अंधा हो गया। नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं हूँ। ओके, तो अंकल जी भी आ चुके हैं। अरे अंकल जी आइए आइए, मार्केट मस्त है एकदम, ताज़ा ब्रेड कैलॉग्स के साथ। ओके, तो इन्होंने काट दिया है एंड हम $10 काटेंगे। मैंने सुना है कि कार्ड में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, मतलब थोड़ा बैंक वालों को पैसा देना पड़ता है, बट ठीक है, कैश वाले भी अच्छे हैं, बैंक वाले भी अच्छे हैं। तो हमें 25 चेकआउट करने हैं, क्या हम एक दिन में 25 चेकआउट कर पाएंगे गाइस? अरे वाह, एक और कस्टमर आ चुका है। बाहर जाके इसे चिल्लाने लग जाऊं, ब्रेड ले लो। ओके, तो $1 देना। चलो चिल्लाते हैं, ब्रेड ले लो, चौकोस ले लो। भाई साहब आप चौकोस लोगे? हेलो ब्लू, अबे एक सेकंड, व्हाट द हेक, ब्लू टी शर्ट वाले अंकल, चौकोस या ब्रेड? ठीक है, वो आ गए, और भी आ जाओ भाई। वैसे बाहर जाके फायदा हुआ, एक कस्टमर आ गया, चौकोस और ब्रेड दोनों ले लिया भाई। अगर मैं कुछ और बोलता तो वो भी ले लेते शायद से। ओके, चलो हम लोग बाहर जाके फिर से चिल्लाते हैं। ओके, अंकल के 6th सेंस ओपन है, चिल्लाने से पहले पता चल गया। इन्होंने भी चौकोस और ब्रेड ले लिया भाई, थैंक यू अंकल, $10 का प्रॉफिट करने के लिए। अरे यार आप जाओ ना यार। तो गाइस हमारा रिकवर हो चुका है पैसा। एंड ओके, तो ये अंकल जी भी आया। अरे आप चौकोस ले रहे हो, उधर ब्रेड भी है यार, ब्रेड भी ले लो ना, $10 सीधा राउंड फिगर हो जाएगा, $6 क्या काटू यहाँ। ठीक है चलो आप ले लो। चलो हम लोग देखते हैं। हेलो, क्या सब मेरे कस्टमर बनोगे भाई? वो तो भाव ही नहीं दे रहा। मैडम जी आइए, ब्रेड लेके जाइए, चौकोस भी लेना। भाई तो सही में आ गई, आइए आइए। अरे ये आपकी जुड़वा बहन भी है इधर। हेलो, देखो कहीं मेले में गुम तो नहीं हो गई थी, आप जा सकते हैं। अरे बहन से तो मिल के जाओ। ठीक है कोई बात नहीं, उनको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इनकी बहन ने $10 का प्रॉफिट कराया, उन्होंने खाली $6। ओ भाई किसी ने बुलेट चालू कर दी। ओके, हेलो, अरे आप फिर से आ गए, लगता है आप चौकोस लेना भूल गए थे, राइट? चलो चौकोस ले लो। अच्छा शायद से उनको रास्ता भूल गए थे। हेलो ब्रदर, क्या आप हमारे दुकान पे आएंगे? आइए आइए हमारे दुकान पे आइए, ब्रेड और चौकोस लेके जाइए। ओ भाई मैं चौकोस वाले को प्रमोशन क्यों कर रहा हूँ, इसका नाम पढ़ लेता हूँ, छक्की पक्के, पता नहीं, जाने दो, चौकोस ही सही है।
तो $6 एंड लेट्स गो। आइए आइए। अरे मैडम जी आप फिर से रास्ता भूल गए क्या? तो जाने दो। ओके आइए आइए दादाजी हमारे दुकान पे आइए, ब्रेड और चोकोस लेके जाइए। ओके कस्टमर इज वेटिंग फॉर चेक आउट, लेट्स डू द चेक आउट गाइस। $6 का चेक आउट है। यो $84 हो गए हमारे पास। ओके अंकल जी आइए आइए आइए, अंकल जी आइए आइए हमारे दुकान पे आइए, सामान लेके जाइए। ओके तो अंकल ने ब्रेड लिया। अंकल लगता है दूध में ब्रेड मिला के खाएंगे, मेरे को लग रहा है ऐसा। अंकल दूसरे दुकान से दूध ले रहे हो? ठीक है कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए हमारे पास दूध है नहीं अवेलेबल। आइए आइए दुकान पे आइए। ओ भाई मैं तो पक्का सेल्समैन बन गया भाई, सब आ रहे दुकान में, एक के बदले दो आ गए। ओ भाई चौकोस तो खत्म भी हो गया। अंकल जी गुस्सा तो नहीं हो गए ना? ओ इन्होंने चौकोस ही लिया है, लास्ट चौकोस का पैकेट अंकल जी ने लिया। तो 1, 2, 3, 4, 10 $14 देना है ना? हाँ जाइए अंकल जी। अरे आंटी जी चौकोस नहीं है फिलहाल के लिए, आप ब्रेड ले सकते हैं। एंड आंटी जी नहीं सॉरी दीदी जी हैं। $1 चलो जाइए। दो लेवल के हो चुके हैं हम, बट फिलहाल के लिए हमारे पास ब्रेड है। कितनी ब्रेड है? 3 ब्रेड बची है भाई, खरीद लो मैं सीधा जा रहा हूँ फिर। आओ और खरीद लो। अरे दीदी फिर से आ गई। दीदी आपके घर में इतना जल्दी ब्रेड कैसे खत्म हो गया? ओ भाई 2 ब्रेड लेके जा रहे हो? ओके कल सुबह का स्टॉक भी चाहिए लगता है। $12 1, 2, 10 $12 हो गया, चलो जाओ। $116 हो चुके हैं गाइस, बस ये एक आखिरी ब्रेड बची है जो $4 के शायद से, आई गेस। आइए आइए अंकल जी आइए आइए, एक ब्रेड बची है, आखिरी ब्रेड है, फिर कल सुबह को नाश्ते में नहीं मिलेगी। वो भाई दो दो कस्टमर आ रहे हैं। और ये क्या, ये व्हाट हेक, ये क्या चल रहा है? वो भाई अच्छा दोनों रेस लगा रहे हैं, पहले कौन ब्रेड लेगा। ओके तो दीदी जीत गई। ओके जाने दो, मैं कुछ बोल नहीं सकता, उनका पर्सनल मैटर है। ओके $4 स्लाइस कुडंट फाइट पठान क्या बोल के गई। ओके तो आज का हमारा इन्वेस्टमेंट है जो $50 है एंड प्रॉफिट है वो $120 है गाइस। तो हम लोग डे का एंड करते हैं। एक सेकंड, डे का एंड क्यों नहीं हो रहा भाई? एंड हो जा। अच्छा तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा तब तक। हम एक सेकंड, हम लोग सामान मंगा लेते हैं ना, और ज़्यादा जो कल सुबह के लिए कई को मगजमारी करने का नहीं, सामान मंगा के सब सेट करके फिर सोने जाते हैं गाइस। ओके तो $93 का इन्वेस्टमेंट है, लेट्स सी कल कितना प्रॉफिट होता है। ओ भाई साहब ये तो पूरा लगाने में ही रात लग जाएगी, मजाक कर रहा था। इसका भी प्राइस सेट करना है हमें, वो सेट कर देते हैं हम लोग। मतलब लगभग सारी चीज़ों का सेट ही करना है, दो चीज़ों का हो रखा है खाली। ओके तो हम लोग ये हैं लाल गाइस, हमारे बैकग्राउंड में बच्चे बोल रहे हैं। ओके तो हम लोग ने लगभग पूरा स्टॉक लगा दिया है एंड कस्टमर को झुकना ना पड़े इसलिए मैं नीचे रैक में नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर लगा देते हैं ताकि कस्टमर को तकलीफ ना हो। गाइस देख रहे हो ओवर टाइम भी करना पड़ता है ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो, 9 से ज़्यादा ही हो चुके। ओ भाई डे एंड हो गया गलती से। ओके डेली एक्सपेंसेस, ओके तो इसको आखिरी को लगा देते हैं एंड फटाफट से सबका सेट करते हैं प्राइस एंड बेचना शुरू करते हैं। बिकॉज
हमें जल्दी से सेल बढ़ानी है। ओके, तो इसका प्राइस क्या चल रहा है मार्केट का? 3.12, बट हम बेचेंगे इसको $3 में बेचते हैं, ज़्यादा ऐसे नुकसान में नहीं जाना चाहिए। इसको $5 में, मतलब एवरेज करके ऐसे हम निकाल ही लेंगे प्रॉफिट, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको $4 में, एंड ये कोल्ड ड्रिंक $4.5 में है, तो $4.5 में ही बेचते हैं। चलो बाकी सबका तो प्राइस सेट है, तो चलो फटाफट से ओपन करते हैं एंड मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। आओ आओ, ताज़ा ताज़ा जूस लेके जाओ, मैदा पास्ता जो भी है सब लेके जाओ। अंकल जी कैसे हैं? आइए आइए हमारे दुकान में आइए, ताज़ा ताज़ा जूस लेके जाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं देखिए। अरे अंकल जी आप किधर जा रहे हैं, आप भी आइए। ओके, तो इन्होंने मैदा, क्या क्या बोलते हैं इसको, वीट या कुछ भी। ओ भाई ये तो बड़े अच्छे कस्टमर निकले, अच्छा हुआ इनको बुला लिया मैंने। ओके, $12 हो चुके हैं गाइस, मतलब 96 में से $12 आ भी गए, क्या समझ रहे हो आप लोग हैं? 17 मिनट हुए हैं अभी सिर्फ, 21 मिनट हो गए। ओके कोई बात नहीं, जल्दी आइए कस्टमर, बुलाना पड़ेगा। आइए आइए कस्टमर, आइए 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 दुकान में आइए, इधर साइकिल भी है लेकिन इसको मैं बेच नहीं सकता, आइए आइए सुपरमार्केट आपका ही है। ओके, तो एक जने आ चुके हैं, इन्होंने लिया है एक ये बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको? अरे देखिए यार, अच्छा ठीक है फिर कभी लेके जाइएगा, अगर अच्छा लगा ये प्रोडक्ट तो दूसरा प्रोडक्ट भी लेके जाइएगा, ठीक है। ओके, आंटी जी भी आ चुकी हैं, आंटी जी आप तो भर भर के लेके जाएंगी मुझे लगता है। ओके, दो जूस के पैकेट, दो वीट, अरे यार मेरे को लगा ये दो लेंगे, बट ठीक है एक ही लिया, कोई बात नहीं। कैश कस्टमर ब्रा, एक दो, ठीक है। ओके, तो $13 और आ चुके हैं गाइज, आप लोग देख सकते हैं अभी के अभी हमारे पास $52 आ चुके हैं, क्या रात तक हमारे पास $200 होंगे। मजाक कर रहा था, $200 तो बहुत बड़ा गोल है, ये ऐसे एक दो लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भाई $200 एक रात में हो पाएंगे, बट वी कैन ट्राई बेटर। ओके भाई एकदम रश लग गई है लगता है, $3 दिया तो फिर आप जाइए ना। ओके, कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं $8, चलो आइए आइए सब लोग लेके जाइए, पूरा दुकान लेके जाइए क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके, जीरो है, यू कैन गो। $73 हो भी चुके हैं गाइस, कल के स्टॉक का पैसा निकलने वाला है, बस ये अंकल जी पूरा पैसा निकलवा देंगे, है ना अंकल जी। आइए आइए, एक काम कीजिए पूरा स्टॉक लेके जाइए, मैं तो बोलता हूँ होलसेल के रेट में लेके जाइए बस। फ्लोर इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी, अरे यार अंकल जी आप भी ना, थोड़े बुजुर्ग हैं इसलिए थोड़ा ऐसे होता है, कोई बात नहीं थोड़ा कंजूसी चलता है ना अंकल जी, एक पॉइंट माइनस करा के चले गए, गेम वालों को भी रेटिंग चाहिए। आइए आइए दुकान में आइए दीदी, आइए आइए, ये देखिए इतना सारा सामान पड़ा है लेके जाइए, इधर पड़ा नहीं रहना चाहिए, आइए आइए आप सब भी आइए आइए। हाँ दीदी जी आ गई, एक तीन में से एक आइए भाई, वैसे दो में एक में से दो आ गए थे, अभी तीन में से एक, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, तो इन्होंने दो जूस लिए हैं, एक सुसु एंड लेट्स सी कितना हुआ है इनका, अरे यार कार्ड पे क्लिक नहीं हो रहा है। $14 का प्रॉफिट गाइस, कल के स्टॉक के लिए $3 बस चाहिए, लेट्स सी अंकल जी कितना प्रॉफिट कराते हैं। ओके, ये देखो इन्होंने फ्लोर ले लिया, उन्होंने ले लिया था यार $10 गाइस, कल के स्टॉक का पैसा निकल चुका है $103, यो थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ मैं। ओके अरे भाई, फ्लोर इज टू एक्सपेंसिव फॉर यू बिकॉज, एक सेकेंड, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, एक्सपेंसिव है बहुत, सस्ती चीजें भी तो रखी है मैंने, वो भी तो लेके जाओ। ओके कोई बात नहीं यार, सबको एक्सपेंसिव लग रहा है तो जाने दो,
कितना कैश देना? जीरो है तो जा ना। इनसफिशिएंट चेंज, ओ $5 मैं वही बोलूं। ओके तो इन्होंने लिया है पास्ता शायद से, पास्ता जो भी है पास्ता लिया है। $3 का है पास्ता। यो तीसरे लेवल पे पहुंचने वाले गाइस हम लोग, एक और कस्टमर एंड हम लोग फिर तीसरे लेवल पे पहुंच जाएंगे। परचेज प्रोडक्ट लाइसेंस यूजिंग कंप्यूटर, तो प्रोडक्ट लाइसेंस शायद से $200 का है मैंने देखा था, तो $200 जल्दी जमा करते हैं एंड फिर उसके बाद हमारी एक्सपी और बढ़ जाएगी। वो भाई दो कस्टमर एकदम लाइन में, मैं तो बोलता हूँ ऐसे 15-20 कस्टमर आ जाए मज़ा आ जाएगा। ओके कार्ड ठीक है कोई बात नहीं। $12 $140 तो हो ही गए गाइस। 5:50 हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कि $200 आज हो पाएंगे बट फिर भी लेट्स होप। 6 बज चुके हैं। ओके आई होप कि हम लोग कम से कम $160 या $180 तो कर ले कम से कम, ताकि कल $20 करने पड़े तो इजी होगा। एंड आई थिंक यहाँ पर स्टॉक भी बहुत कम है तो मुझे स्टॉक भी मंगाना पड़ेगा। अगर आज के आज $200 हो जाते तो मैं लाइसेंस ले लूँगा, नहीं तो फिर थोड़ा स्टॉक मंगाना पड़ेगा गाइस ताकि प्रॉफिट हो सके, लोग नहीं तो माइनस में लेके जाएंगे मुझे। ओके तो इन्होंने दो ये ले लिए हैं एंड एक ये ले लिया है, लगता है आप चौकोस के दीवाने हो चुके हो। ओके तो इन्होंने दो ब्रेड के पैकेट लिए, मुझे पता है आप दूध में मिला के खाओगे मुझे लग रहा है। 20-20-40 एक दो जाइए। $176 का प्रॉफिट हो चुका है गाइस, क्या हम $200 कर पाएंगे? चलो देखते हैं। भाई एक और कस्टमर आ चुका है, मुझे लगता है भाई आज के आज ही हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। $15 यो भाई ये कस्टमर भी भर के ले रहा है, मुझे लग रहा है हो गए हमारे $200। ओके तो ओ कैश है सॉरी 50 20 10 5 1 86 यो आई एम स्मार्टर देन यू। जीरो है, आप जा सकते हैं। जूस कार्ड, पता था मुझे कार्ड देगा ये, इतने देर से कोई कार्ड वाला आया नहीं था तो इसको तो निकालना ही था। आइए आइए आप भी कार्ड ही देंगे मुझे पता है। ओ कैश दे दिया, लॉल प्रिडिक्शन करने लग जाता हूँ मैं, मार्केट थोड़ी है। ओके तो 9 बज चुके हैं, अभी कोई कस्टमर नहीं आएगा, अभी हम लोग भी ये क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ से हम लोग लाइसेंस ले लेते हैं। लाइसेंसेस हम लोग एक लाइसेंस परचेज कर लेते हैं। ओके तो हमने परचेज कर लिया लाइसेंस एंड आप लोग देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स भर चुके हैं, बट मैं फ़िलहाल के लिए कुछ ही प्रोडक्ट्स ले सकता हूँ क्योंकि दूध के लिए हमें फ्रिज चाहिए। तो एंटर करके डे एंड करते हैं एंड हमारा स्टोर होने वाला है प्योर वेज स्टोर, तो सिर्फ वेजिटेरियंस के लिए ही वर्केबल होगा। पास्ता का प्राइस बढ़ चुका है $4 और चीज़ का बढ़ा था और डार्क चॉकलेट समथिंग कुछ था उसका बढ़ा था, तो लेट्स सी। चीज़ ये है ना चीज़। ओके एंड ये तो बहुत महंगा है भाई, चीज़ ही मंगा लेते हैं फिलहाल के लिए। हमारे पास $9 बचे हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि $9 का कुछ मिलता है इधर, तो या हम लोग पहले चीज़ को बेचते हैं कॉज इसका प्राइस बढ़ चुका है। लेट्स गो चीज़ को बेचते हैं। अरे इसको फ्रिज में रखते हैं ब्रदर, फंस गया मैं, ना ही मेरे पास फ्रीज़र है। क्या मैं इसे रीसेल, भाई स्कैम हो गया, डस्टबिन में चले गया वो। ओ भाई अब तो सिर्फ प्रॉफिट पे ही बिजनेस टिका है, नहीं तो फिर बैंक से लोन उठाना पड़ेगा। परचेज फ्रिज और शेल्फ। ओके तो लेट्स सी ये सब सामान बेच के कितना प्रॉफिट आता है गाइस, फिर उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें क्या करना है। भाई चीज़ का नुकसान हो गया गाइस, बट ये पास्ता महंगा हो चुका है तो आई थिंक ये हमें कुछ प्रॉफिट दे सकता है। भाई क्या गंदा नुकसान हुआ, ये $4 का है।
ये छेड़ा का है एंड कोई चीज तो नहीं बढ़िया। ए भाई ओपन है ना स्टोर। हाँ आ गया कस्टमर आ गया। ओके कस्टमर को भी यही चाहिए था। ओके तो कस्टमर आ चुके हैं, चलो फटाफट से देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट देते हैं ये। ओके तो कार्ड दे रहे हैं, एक जने को फ्लोर चाहिए था लेकिन बचा नहीं उसके लिए। हमारे पास जो भी आज वही बेचते हैं, कॉज मुझे देखना है कि कितना प्रॉफिट होता है तो उस हिसाब से मैं सामान मंगाऊंगा। एंड या $32 हो चुके हैं, $32 ही थे एक्चुअली। मुझे चीज़ नहीं मंगाना चाहिए था यार, मुझे लगा कि हम ऐसे ही रख सकते हैं चीज़ को, बट या पोपट हो चुका है गाइस, नुकसान हो चुका है हमारा। ओके तो इन अंकल को ये चाहिए, ब्रेड लीजिए ब्रेड। अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, जूस ले लिया। ओके 10.5 डॉलर का प्रॉफिट। ओके ओ भाई आंटी ने तो बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक ले ली, दीदी ने मतलब वो दो कोल्ड ड्रिंक लिया, मैं बहुत सारी बोल रहा था। मैं अपने कस्टमर्स पे नज़र लगा रहा हूँ यार, क्या पागल हूँ मैं। ओके जा सकते हैं, $64 हो चुके हैं गाइस, बट ये बिक जाए फिर उसके बाद आज का डे एंड कर दूंगा मैं, कॉज ओ भाई लॉल बिक जा। ओके कस्टमर आ चुके हैं, मस्ती नहीं करनी है कस्टमर के सामने। अरे फिर से आ गए, लगता घर वालों ने वापस भेज दिया। अरे यार तुम्हें जो फ्लोर बोला था, ब्रेड बोला था, वो नहीं लेके आई, अपना खाने पीने का चीज़ लेके आई। लॉल ऐसा मेरे साथ होता है इसलिए मैंने बोला। एंड इस बार कार्ड से पेमेंट हो रहा है भाई, लगता है मैंने बोला कार्ड से पेमेंट करो, जाओ। ब्रेड आ गया दो, अरे भाई वो भी ले लो पास्ता। सॉरी साइड वाले कस्टमर ने ले लिया। ओके $2 एंड ही पास्ता एंड गाइस कैश है, सॉरी $46 देना है, $46। तो अभी हमारा सब सामान बिक चुका है, नहीं 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 एक ब्रेड बची है, एक ब्रेड के लिए हमें बैठना होगा गाइस, नहीं तो फिर हमें तकलीफ हो जाएगी। यो अंकल जी ब्रेड लेके जाइए, अंकल जी ब्रेड लेके जाइए, अंकल जी रोज ब्रेड खाते दूध के साथ, घरवाली के साथ झगड़ा हो रखा है क्या, मतलब घरवाली के साथ झगड़ा, एक्सक्यूज मी कुछ भी नहीं है सर, दुकान इज क्लोज्ड, कैंट फाइंड एनीथिंग, यू कैंट फाइंड एनीथिंग बिकॉज द स्टोर इज क्लोज्ड, व्हाई यू माइनस्ड माय पॉइंट्स। मजाक कर रहा था, माइनस नहीं हुआ। ओके तो ये भी बाहर से चले गए फिलहाल के लिए, तो हम लोग देखते हैं कि अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग का सुपरमार्केट हो चुका है 3 लेवल पे, मतलब 4 लेवल पे हो चुका है लगभग के लिए, लप क्यों बोला मैंने, हेलो दीदी चलो। यहाँ पर कोई सुपर कार वाला भी है ना शायद से, सुपर कार यहाँ पर लोग दिख रहे हैं बस, सुपर कार नहीं दिख रही मुझे। यो बोलो तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।